हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम खेत सिंह चौहान फ्रॉम गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल दांतारामगढ़ सीकर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न लेसन नंबर 11। इट इज़ ए प्ले। द नेम ऑफ प्ले इज़ इफ आई वर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स, सीन ए, पार्ट नंबर 7, From your English textbook, Behive. Intruder, preparing to shoot. Intruder क्या कर रहा है? Preparing to shoot. Shoot करने की तैयारी, यानी गोली मारने की तैयारी कर रहा है। यानी गोली मारने को, यानी वहाँ स्टेज पर दिखाया जाता है कि गोली मारने की तैयारी में है। एज, और वो कहता है इंट्रूडर किसको? जेरड को। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिस कन्वर्सेशन बोर मी, यह वार्तालाप मुझे उबा रहा है, बोर कर रहा है। जेरड, डोंट बी ए फूल, क्या कहता है वो? मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट, वो कहते हैं यदि तुमने शूट किया यानी गोली चलाई, यू विल हैंग फॉर श्योर, तुम निश्चित रूप से तुम फांसी पर चढ़ जाओगे, यानी तुम्हें फांसी होगी। इफ नॉट एज योर सेल्फ, यदि तुम्हें नहीं, देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरड, यदि तुम्हें नहीं तो विंसेंट चार्ल्स जेरड के रूप में होगी, यानी फांसी तो होगी। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, यह क्या है? जेरड, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य है। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने तुम्हें कहा था, आई सेड यू, मैंने तुम्हें कहा था, क्या कहा था? यू वुडंट किल मी, तो तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, और मैं ठीक था, यानी मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे, वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे, तुम यह क्यों सोचते हो कि आज मैं यहाँ हूँ? आई एम हियर टूडे, यानी आज मैं यहाँ हूँ। एंड गॉन टुमारो, और कल नहीं होऊँगा, यानी कल चला जाऊँगा, यहाँ नहीं होऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और कभी व्यापारी लोगों से नहीं मिलूँगा। यू से माई हैबिट्स वुड शूट यू, तुम कहते हो, यू से, जेड कह रहा है किसका? इंट्रूडर को। तुम कहते हो माई हैबिट्स वुड शूट यू, कि मेरी आदतें तुम्हारे अनुकूल होगी। शूट का ना अनुकूल, उपयुक्त, तुम्हारी आदतें तुम्हारे अनुकूल होगी। यू आर ए क्रूक, तुम कौन हो? यू आर ए क्रूक, क्रूक कहते हैं बदमाश, तुम एक बदमाश हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? आई एम ए संडे स्कूल टीचर, क्या तुम मुझे रविवार के स्कूल का अध्यापक समझते हो? क्या तुम मुझे रविवार के अध्यापक वाला टीचर समझते हो? द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, कंसर्न वाला संबंधित होना, मेरे विचार से खेल ख़त्म हो चुका है। द गेम्स अप एज फार एज, जितना कि आई कंसर्न, जितना मैं समझता हूँ, कंसर्न संबंधित हूँ, जितना मेरे से संबंधित है, कहने का मतलब मेरे विचार से खेल ख़त्म हो चुका है। दिस वेंट रॉन्ग विथ मी, दिस वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गो अवे, मैंने गोलियों का प्रयोग किया। आई सेड, मैंने कहा इट विथ बुलेट्स एंड गो अवे, मैंने गोलियों का प्रयोग किया और मैं बच निकला। गोट अवे, गोट अवे बच निकला। अनफॉर्चुनेटली दे गोट वन ऑफ माई मैन, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश, दे गोट वन ऑफ माई मैन, मेरा एक आदमी पकड़ा गया।
एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव ब्रंट, और उन्हें वह चीज़ें मिल गई। एंड फाउंड थिंग्स यानी पा गई या मिल गई द फूल, उन मूर्खों ने, शुड हैव ब्रंट, जिन्हें उन मूर्खों को जला देना चाहिए था कि ना, वो चीज़ें मिल गई जिन्हें उन मूर्खों को जला देना चाहिए था। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज मैं मुसीबत की उम्मीद में हूँ, यानी आज मैं आज रात मुसीबत का इंतज़ार कर रहा हूँ। ट्रबल यानी परेशानी या मुसीबत, एक्सपेक्टिंग यानी उम्मीद कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, कह रहा है माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का अर्थ होता है भागने के लिए। माई बैग इज रेडी, माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, मेरा बैग तैयार है किस लिए, भागने के लिए मेरा बैग तैयार है। देयर इट इज़, यह वहाँ पड़ा है। इंट्रूडर, इट्स ए बैग ऑल राइट, बैग तो यह है सही है। एंड दिस इज ए गन ऑल राइट, और वो कह रहा है और यह भी पिस्तौल है। व्हाट्स ऑल दिस, यह सब क्या है। जेरड, दैट्स ए डिस्क्विज आउटफिट, यह तो भेस यानी डिस्क्विज का मतलब वेश बदलना, आउटफिट का मतलब सामान, यह तो वेश बदलने का सामान है। फॉल्स मॉस्टासेज एंड व्हाट नॉट, फॉल्स मॉस्टासेज, फॉल्स मॉस्टासेज अर्थात नकली मूछें, फॉल्स एंड नकली मॉस्टासेज मूछें, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं यानी और भी कुछ चीज़ें हैं। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया है यानी क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इंट्रूडर, इंट्रूडर म्यूजिंगली, म्यूजिंग ना सोचते हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जेरड, जेरड कहता है फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स, भगवान के लिए, फॉर गॉड्स सेक भगवान के लिए, फॉर यानी के लिए, गॉड्स सेक भगवान के सेकंड लिए, क्लियर दैट मडल्ड हेड, अपना गड़बड़ दिमाग, मडल्ड हेड कहते हैं गड़बड़ दिमाग को, क्लियर इन ठीक करो, ऑफ योर्स यानी अपने, ऑफ योर्स यानी अपने गड़बड़ दिमाग को ठीक करो। एंड लेट अस गो, और आओ हम चलें, कम विथ मी इन द कार, कार में मेरे साथ आओ, कम विथ मी इन द कार, कार में मेरे साथ आओ। आई कैन यूज़, मैं तुम्हारा प्रयोग, आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा प्रयोग कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, यदि तुम्हें यह चालाक योजना लगे, इफ़ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, फ्रेम का चालाक योजना लगे, यू हैव गॉट मी इन द कार, तो तुम कार में होंगे, तुम कार में होगे। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास पिस्तौल भी होगी। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम ठीक कहते हो या तुम ठीक हो। जेड, देन डोंट वेस्ट टाइम, तो समय नष्ट मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जाकर वह अपना टॉप और बैग उठाता है, कौन, जेड। इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस, सावधान रहना बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेड कहता आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक व्यक्ति को सड़क पर तैनात देखा, पोस्टेड का मतलब तैनात यानी ड्यूटी पर, मेन रोड मुख्य सड़क पर, मैंने एक व्यक्ति को मुख्य सड़क पर तैनात क्या कर रखा है, पोस्टेड कर रखा है, तैनात कर रखा है, मैंने एक व्यक्ति को मुख्य सड़क पर तैनात कर रखा है। ही विल रिंग अप
इफ ही सीज द ही विल रिंग अप इफ ही सीज द वह क्या करेगा, टेलीफोन कर देगा। अब इससे आगे का पैराग्राफ जो है ना इसमें जोड़ करके नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। थैंक यू।